हे गाइस, सो फास्ट करके एक अनदर वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा नाम है कांडांगी। तो आज हम बात कर रहे हैं HP 419 प्रिंटर की, कैसा है और कैसा ये चल रहा है। मेरे को इसको 6 महीने से ज़्यादा हो गए, 6 महीने से ज़्यादा तो हो ही गए। तो अभी तक मैंने इसमें 8,000 पेज निकाल दिए हैं और उसके बाद इसकी हालत हो गई है बुरी। अब इसमें ये चल नहीं रहा है, ये जो प्रिंट आउट निकाल रहा है अब कलर वाला पिंक आ रहा है, पिंक। तो 8,500 के बाद ये चल नहीं रहा है। और फिर मैंने इसमें कस्टमर केयर में बात की तो वो कह रहे हैं या तो इसकी ये जो हेड है ये ख़राब हो गया है या फिर इसके अंदर धूल मिट्टी चली गई है हेड के अंदर, जिसकी वजह से ये कलर सही से नहीं निकाल पा रहा है। तो अभी मैं कोई डेमो करके दिखाता हूँ ये कैसा आ रहा है इसमें पिंक कलर। तो जैसे ये 8,500 पेज मैंने इसमें निकाल दिए, वो भी मैं प्रूफ दिखाता हूँ 8,500 पेज का ही, इसके जो अंदर से सिस्टम से जो निकल के आता है वही। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो भाई ये देखिए, ये है पेज, यहाँ 8,316 है। ये मैंने एक हफ्ते पहले निकाला था 8,316, अब हो सकता है इसमें 8,500 हो चुके हों। और ये सारी डिटेल आ रखी है इसमें प्रिंटर की, यहाँ पे सारी चीज़ दी हुई है यहाँ। और ये वैसे इसमें तो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा मॉडल नंबर, वैसे ये मॉडल जो है 419 है पर इसमें यही आती है 410 सीरीज। ये है वो प्रिंटर हमारे पास और इसमें आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ कलर प्रिंट आउट। तो ये एक फ़ोटो है मेरी ही, तो ये देखिए ये फ़ोटो ऐसी है, फ़ोटो का कलर सही है। आपको कभी आपको लग रहा हो कि यार फोटो ही पिंक है, तो यहाँ से मैं निकालूँगा तो इसको ऐसे नहीं, इसको हाफ में निकालता हूँ, पूरे में तो टाइम लग जाएगा। तो इसको करेंगे हम टिक प्रिंट, इसको निकाल लेंगे हाफ में ही। ये देखिए इतना, यहाँ इसको करेंगे सेट HP ये रहा फिट टू फ्रेम। अब ये देख निकाल के, तो अब ये निकल के आएगी और पिंक ही निकल के आती है, तो इसमें ये दिक्कत आती है। उसके बाद तो ये देखिए कुछ, ये देखिए पिंक आ रही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से पिंक फेस आ रहा है इसमें मेरा। और एक और निकाल के दिखा देता हूँ आपको, इसी में ही आपको एक और पता चल जाएगा कैसा आ रहा है। फोटो ये वाली फ़ोटो ले लेते हम, ये वाली, इसमें हम चेक करते हैं फिर से, इसी के साइड में आ जाएगी वो भी फ़ोटो। मैंने आपको दिखाई दिए दोनों, और ये भी मैं खोल देता हूँ यहाँ से, पता चल जाएगा ये। तो ये देखिए, देखो इसमें भी आपको पिंक नज़र आ रहा होगा फोटो में ही। ये देखिए ये और ये वाली फ़ोटो देखिए, इसमें ये इतनी पिंक नहीं है, आपको कैमरे में लग सकता हो सकती है, पर ये वाली पिंक आ रही है। तो आपने देखा ये 8,500 पेज निकालने के बाद इसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब इसका या तो मेरे को इसकी सर्विस करवानी पड़ेगी, देखते हैं, या तो क्या पता कार्टेज भी साफ़ करके सही चल जाए, और हो सकता है कार्टेज भी बदलवानी चल जाए, मतलब हो सकता है 1,000-2,000 का इसमें खर्चा आए। तो बस मेरे को आपको इसमें बताना था कि इसमें क्या इशू आता है। 8,500 पेज कम नहीं होते, पर इसकी तो जो इसके साथ रिफ़िल आई थी वही पूरी ख़त्म नहीं हुई, उससे पहले ये ख़राब हो गई इसकी। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और काउंटर में बताना कि आपको कैसी लगी। और मैंने बहुत सारे प्रिंटर की भी बनाई है वीडियो, आप वो भी देख सकते हो, और लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काफ़ी सारे प्रिंटर है, एप्सन का भी है, आप वो भी वहाँ से बाय कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।